नमस्कार, हिंदुस्तान न्यूज दिल्ली में आप सभी का स्वागत है। अन्नदाताओं की भूख हड़ताल आज, देश भर के जिलों में देंगे धरना। केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन सोमवार को और तेज होगा। नवंबर महीने के अंत से दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हजारों किसानों की एक दिन की भूख हड़ताल शुरू हो गई है। इसके अलावा किसान देश भर में धरना देंगे। एक हफ्ते के भीतर किसानों का यह दूसरा देशव्यापी प्रदर्शन होगा। इससे पहले पिछले मंगलवार को किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया था। विभिन्न राजनीतिक दलों और ट्रेड यूनियनों ने भी किसानों के भारत बंद का समर्थन किया था। सरकार के साथ कई दौर की बातचीत के बावजूद किसानों का कहना है कि जब तक नए कानूनों को वापस नहीं लिया जाता है, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। किसान आंदोलन के बीच किसान संगठनों का कहना है कि प्रदर्शनकारी सोमवार को देश भर में कलेक्ट्रेट कार्यालयों का घेराव करेंगे और सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक अनशन करेंगे। उन्होंने कहा कि भूख हड़ताल आंदोलन तेज करने के किसानों की योजना एक हिस्सा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को कहा कि वह भी किसानों के साथ उपवास रखेंगे। उन्होंने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुहिम में शामिल होने की अपील की है। केजरीवाल ने कहा केंद्र को किसानों की सभी मांगे माननी चाहिए और गारंटीड न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर बिल लाना चाहिए। केंद्र के तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने अपना प्रदर्शन तेज करने के बीच केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने रविवार को कहा कि सरकार जल्द ही एक तारीख तय कर किसान संघ के नेताओं को अगले दौर की वार्ता के लिए बुलाएंगी। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल हिंदुस्तान न्यूज़ डेली को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।